हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण जो कि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। जैसा कि कोविड-19 की वजह से कोई भी स्कूल ओपन नहीं हो रहे हैं, तो एकेडमिक क्लासेस सभी की सभी प्रभावित हो रही हैं। इसकी वजह से 9th, 10th, 11th, 12th, है ना, इसमें भी हेल्पफुल है ये हमारी हिंदी ग्रामर। और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जेल पुलिस, MPSI, सभी जानते हैं कि जेल पुलिस और MP कांस्टेबल के नोटिफिकेशन आ गए हैं। जब MP कांस्टेबल की वैकेंसीज आएंगी तो MPSI भी उसमें आएगा, और जेल पुलिस और MPSI दोनों में ही हमारी हिंदी ग्रामर का रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हिंदी ग्रामर का रोल है, इसलिए आज हम हिंदी ग्रामर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी ग्रामर में हम टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर के आते हों, इसलिए हमने सबसे पहले टॉपिक जो लिया है वो है हमारा संधि। सबसे पहले अगर हम संधि शब्द के अर्थ की बात करें तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़। क्या होता है? मेल या जोड़। अगर हम संधि की परिभाषा की बात करें तो दो वर्णों के आपस में मिलने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है। क्या? दो वर्णों के आपस में मिलने पर। किसको? शब्द नहीं, यहाँ पर कंफ्यूज जाते हैं कुछ लोग, शब्द समझते हैं, शब्द नहीं वर्ड, दो वर्ड अक्षर, दो वर्णों के आपस में मिलने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है। अब ये शब्द यहाँ विकार, विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज। यानी जब दो वर्ड आपस में मिलते हैं तो उनमें जो चेंज आता है उसी को हम कहते हैं संधि, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, राम प्लस अवतार, ये माँ, माँ के साथ है आ, छोटा छोटा, ये छोटा छोटा जब आपस में मिले तो यहाँ पर देखो चेंज आया, ये बना क्या? बड़ा आ, तो ये हो गया रामावतार। वैसे ही ये देखो कीट प्लस अड़ू, यहाँ भी छोटा आ और छोटा आ, जब ये दोनों आपस में मिले तो यहाँ भी हो गया कीटाणु, ठीक है। तो ये जो चेंज आ रहा है, ये जो विकार है, इसी को हम संधि कहते हैं। एक हम नोट देखते हैं, नोट यह है कि संधि वहीं पर होती है जहां पास पास आकर मिलने वालों में मिलने वाले वर्णों में विकार उत्पन्न हो जाए। सिंपल सी बात यह है समझने वाली कि जब वर्ड आपस में मिलते हैं तो उनमें चेंज होना जरूरी है। यानी जब दो वर्ड आपस में मिले तो उनके मिलने पर कोई ना कोई चेंज जरूर हो, ठीक है। तो जैसे कि संधि को भी हमने देखा, तो क्या एग्जाम्पल देखे थे हमने, और भी देखते हैं एग्जाम्पल, अति प्लस अधिक, ती ई, छोटी ई प्लस आ, ये दो वर्ड आपस में मिले चेंज आया, ये हो गया अत्यधिक, ये यार नया वर्ड आया यहाँ पर या। दूसरा परम प्लस आत्मा, छोटा आ और बड़ा आ, क्या बन गया? बड़ा आ। तो ये जो चेंज आ रहा है इसी को हम कहते हैं संधि। जबकि जहां पर विकार उत्पन्न नहीं होता, विकार उत्पन्न नहीं होने पर वहां संधि नहीं, क्या होता है? संयोग होता है। देखें संयोग क्या होता है, जैसे जल प्लस द यानी जलद, पंक प्लस ज यानी पंकज, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखो यहाँ पर कहीं भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, जैसे कि तैसे वर्ड ऐड हो जाते हैं, ठीक है, इसको हम संयोग कहते हैं। तो ये संधि और संयोग में अंतर है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, हमने पहली क्लास ये स्टार्ट की है, अभी सिर्फ हमने आप लोगों को बताया कि हम स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं। रोज आपको 2 से 3 वीडियोस मिल जाया करेंगे जिसमें हम आगे की क्लासेस छोटे छोटे वीडियोस बनाकर हम तैयारी करेंगे। अगली क्लास में हम संधि के प्रकारों को पढ़ेंगे, ठीक है, संधि के सभी प्रकारों को पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा हो लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।